जितना जल्दी हो सके सच को, रियलिटी को जो है अपना लीजिए, क्योंकि एक बार अगर समय निकल गया ना तो आपको फिर ज़िंदगी में दोबारा वापस से बाउंस बैक करने के लिए, वापस से खड़ा होने के लिए जो है टाइम नहीं मिलेगा और आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी निकल जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ और जितने भी आपके माइंड्स में जो भ्रम है ना, जो डाउट्स आपने पाले हैं, उस भ्रम को जो है, उन सभी डाउट्स को जो है जान लो। देख सकते हैं कि 12489 शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके जो है 10 जून को एग्ज़ाम्स हुआ था, 10 जून को एग्ज़ाम्स हुआ था और इसके लिए अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो 2 लाख स्टूडेंट ने जो है इसके लिए एग्ज़ाम्स दिए हैं। जी हाँ, जिसमें सहायक शिक्षक के, सहायक शिक्षक की MT संवर्ग के लिए और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं। तो इतने स्टूडेंट में सिर्फ पोस्ट हैं 12489, तो किस तरह से सिलेक्शन जो है हो पाएगा? आपको यही मैं बोलना चाहता हूं कि आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, अगर आप ये सोचोगे कि आज यार मैं आराम कर लेता हूं, 10 दिन आराम कर लेता हूं, इतने तो 4 महीने मैंने मेहनत कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूं, बिल्कुल नहीं। यही तो आपकी गलती होता है जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिल पा रहा। आपने जो 4 महीने मेहनत किया ना, जिस शिद्दत के साथ आपने मेहनत किया, जिस पैशनेट के साथ, जिस हार्ड वर्क के साथ आपने कड़ी मेहनत किया, वो कड़ी मेहनत भी रंग नहीं लाएगा। उसके लिए आगे आपको मेहनत करना होता है। और आप अगर ये सोचोगे कि मैं आराम कर लूँगा, तो आराम बिल्कुल मत करो और रिविज़न करो उस टाइम में, क्योंकि सक्सेस सिर्फ तभी मिलेगा जब आप कंसिस्टेंट होकर मेंटेन करेंगे पढ़ाई को, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आप आज पढ़ाई नहीं करोगे ना, 10 दिन जो रेस्ट कर रहे हो, इसी 10 दिन में दूसरे स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे तो आपसे भी आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो कॉम्पिटिशन्स का लेवल जो पहले था ना, कॉम्पिटिशन्स का लेवल उससे कहीं ज़्यादा हाई फाई कॉम्पिटिशन्स का लेवल जो है हो चुका है, हाई फाई जो है कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुका है। इसलिए आपको अपना काम करना है, इसलिए मेहनत करना है। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे ना तो कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपको आगे ज़िंदगी में कामयाबी जो है नहीं मिल पाएगा और आप एग्ज़ाम्स में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा का आखिरकार कटअप जो है कितना जाएगा, किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन जो है होने वाला और सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है क्या होगा। 2 लाख स्टूडेंट और 2 लाख स्टूडेंट के बीच में 12489 पोस्ट, तो किस तरह से सिलेक्शन होगा आपको मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 95 से अगर 100 के बीच में भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो सिलेक्शन जो है हो जाएगा, लेकिन यह फिक्स गारंटी नहीं है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितने में जो है सिलेक्शन आपका होगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो OBC का आपका 90 से 95 के बीच में, वहीं SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 85 से 90 नंबर के बीच में, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 75 से अगर 80 भी आता है सिलेक्शन जो है हो जाएगा। सिलेक्शंस का क्राइटेरिया कटअप जो है कुछ इसी तरह से आपका होने वाला, इसलिए आपको काम करना, मेहनत करना। देख सकते हैं कि 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, पोस्ट जो है कम है, तो आपको कॉम्पिटिशंस, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको कॉम्पिटिशंस के बारे में पता ही नहीं होगा। कॉम्पिटिशंस का मतलब यही होता है कि पोस्ट कम रहता है लेकिन आपको उसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना होता है जिससे कि आप आगे बढ़ सके और उस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके। और सभी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, सभी चीज़ें आपके काम के ऊपर, सभी चीज़ें आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है और मेहनत किए बगैर परिणाम के बारे में बिल्कुल मत सोचो। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा आगे आपको कामयाबी जो है नसीब हो पाएगा, मिल पाएगा। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, किस्मत नसीब जैसी कोई चीज़ होता ही नहीं है, ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम मेहनत करेंगे ना तो अगर नसीब में नहीं होगा वो भी चीज़ें मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा वो भी चीज़ें मिलेगा। अगर किस्मत के भरोसे अगर रहोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। मेरी बातों को समझो, अगर जो अभी मेरे बातों को मजाक में ले रहे हैं ना, एक समय के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा, एक समय के बाद आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक समय के बाद आपको रियलाइज़ होगा। लेकिन उस टाइम आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा, फिर आपकी ज़िंदगी उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया रहेगा। इसलिए मेहनत करो, काम करो,
कामयाबी के सपने बस देखने से कामयाबी नहीं मिलता, उस सपनों को पूरा करने के लिए हर एक रोज़ जो है मेहनत करना होता है, टूट के मेहनत करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, फुल एफर्ट पैशनेट होकर मेहनत करो। जितना तुम मेहनत करोगे ना, जितना ज़्यादा तुम काम करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको आगे आगे जो है कामयाबी, आगे जो है सफलताएँ जो आपको मिल पाएगा। इसलिए मेहनत करो, काम करो, और काम किए बगैर परिणाम के बारे में मत सोचो। यही और ये भी चीज़ आपकी गलती होता है, आप मेहनत ही नहीं करते और सिर्फ कामयाबी के सपने सजा बैठे रहते, तो ऐसे में सपने थोड़ी ना पूरे होंगे। आपको काम करना है, आपको मेहनत करना है, उसके बाद बोलना कि हाँ यार मुझे कामयाबी नहीं मिला या मेरे ड्रीम्स या मेरे सपने पूरे नहीं हुए। आपको मेहनत करना है उसके बाद ही, तो इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, और काम किए बगैर परिणाम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जितना हो सके मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करो, और ज़िंदगी में कुछ मौके मिलते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने उस मौके को छोड़ दिया, अगर आपने उस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ दिया, तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगा आपको एक अच्छा एक बेहतर इंसान बनने के लिए और एक बेहतर कामयाबी के लिए। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहीं नहीं मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन वह समझने की देरी होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से लें। मौके अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में हर बार मिलती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप खो देते हो, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी से नहीं बचता। इसलिए मेहनत करो, और एक कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम से अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको आगे कामयाबी नहीं मिलेगा, आगे कामयाबी ज़रूर मिलेगा। आने वाला समय जो है आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, बस आने वाले समय को आज से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना ज़रूरी है, हमें मेहनत करना ज़रूरी है, हमें एफ़र्ट लगाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके एफ़र्ट लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो अवश्य रूप से आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा, मेहनत करोगे तो आप जो है अवश्य रूप से आपको सफलता जो है नसीब हो पाएगा, और आपकी नसीब ज़रूर चमकेगा। बस हमें मेहनत करना है, हमें काम करना है, और काम के बगैर परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। सो आई होप वीडियो से अच्छा लगा हो, अगर वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर करना। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियोस जो है मिल पाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके काम करो, और जितना आप मेहनत करोगे ना, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शिक्षक भर्ती परीक्षा 12489 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सपने आपके हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करना है, आपको ही काम करना है। सो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।